सो हेलो एंड वेलकम गाइज, व्हाट्सअप। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर को प्रैक्टिकली। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एंगुलर को इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर को अपने लोकल सिस्टम में कैसे हम इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही इजी सा प्रोसीजर है। तो इसको करने के 3-4 स्टेप हैं, हम वो करेंगे और एंगुलर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम में नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम गूगल पे लिखते हैं नोड जेएस। अब नोड जेएस क्या है? ये जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा एंगुलर रन होता है। तो खैर, आपको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, जो कि है nodejs.org। अब यहाँ पे हमें दो वर्जन दिख रहे हैं, एक तो है 16 और एक है 18, जो कि है करेंट वर्जन। बट हम इंस्टॉल करेंगे 16 को, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये स्टेबल वर्जन है। और जो न्यू वर्जन होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शायद आ सकती है, तो इसलिए सेफ साइड के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो ये आ गया है हमारे डाउनलोड फोल्डर में। अब हम इसको करते हैं इंस्टॉल। तो अब ये इंस्टॉलेशन विंडो यहाँ पे आ गई है, हमें सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाकई इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। और कमांड प्रॉम्प्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है विंडो आर और यहाँ पे लिखना है cmd। अब हमें यहाँ पे लिखना है node-v, मतलब वर्जन। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे दिख रहा है v16.16.0, जो कि हमने इंस्टॉल किया है 16.16.0। अब इसके बाद हम npm का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि npm क्या है, तो npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। और नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, हम चलते हैं गूगल पे और लिखते हैं npm। तो ये है npm की वेबसाइट। तो npm क्या होता है कि इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप ऐसा समझिए, जैसे आप मोबाइल चलाते हो और मोबाइल में आपके पास गूगल प्ले स्टोर होता है। तो गूगल प्ले स्टोर क्या करता है, आपको जो भी गेम्स चाहिए होती है आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए होती है तो आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे ही नोड का ये पैकेज मैनेजर है। पैकेज आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई भी लाइब्रेरी या कोई पीस ऑफ कोड, कोई यूटिलिटी जो आपको अपने एप्लीकेशन में यूज करनी है। कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कोई पैकेज चाहिए होगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। जैसे हम सर्च करते हैं ngx, तो ngx से काफी सारे पैकेज हैं, जैसे टोस्टर। टोस्टर क्या होता है कि जैसे हम अपनी एप्लीकेशन में कोई नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं तो वो होता है टोस्टर। तो अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका बना बनाया वर्किंग कोड हमारी एप्लीकेशन में आ जाएगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ngx कुकी सर्विस, हमें ये वाला कोड अपने एप्लीकेशन में चलाना है, या फिर ngx लाइट बॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ngx ट्रांसलेट, इसकी तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो इसका क्या यूज है कि ये मल्टी लैंग्वेज के लिए हमें एप्लीकेशन में सपोर्ट देता है। और काफी सारे यहाँ पे पैकेज आपको देखने को मिलेंगे। ये है ngx बूटस्ट्रैप। अगर आपको अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं ngx बूटस्ट्रैप। मैं पहले इसी को यूज करता था। तो खैर, ये है npm। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एंगुलर का या फिर नोड का गूगल प्ले स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, npm का वर्जन चेक करते हैं। हमें लिखना पड़ेगा npm-v। तो npm का वर्जन आप देखेंगे 8.11 है। तो दोस्तों, ये तो हमने नोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, हमें एंगुलर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं एंगुलर की वेबसाइट पे, angular.io। अब यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटअप पे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक कमांड है, इसको चलाना पड़ेगा, npm install -g -g। ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ग्लोबली।
ग्लोबली मतलब हमारे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। हमें अगर किसी भी फोल्डर में जाके एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है तो हम बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये किसी एक खास फोल्डर में इंस्टॉल नहीं होगा बल्कि पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एंगुलर की सीएलआई को इंस्टॉल करेगा ग्लोबली। सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब जो हम देख रहे थे सीएमडी, ये होती है कमांड लाइन। और कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब कि हम यहाँ से कमांड लिखेंगे और हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट बन जाएगा। हम यहाँ से कुछ लिखेंगे, हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा। कंपोनेंट क्या होता है कि रियूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिनकी आगे हम बात करेंगे। तो एंगुलर में हमें अगर कोई भी चीज बनानी है, जैसे कंपोनेंट बनाना है, डायरेक्टिव बनाना है, सर्विस बनानी है, पाइप्स बनाने हैं, तो वो हम कमांड लाइन के थ्रू बहुत इजीली बना सकते हैं। हमें मैनुअली एक एक फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो अभी सुनने में शायद आपको कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट ये सब बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, ये एंगुलर सीएलआई को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा है ग्लोबली। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो दोस्तों हमारे एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, इसका वर्जन चेक करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, एनजी वर्जन। तो आपने देखा यहाँ पे बड़ा सा एंगुलर सीएलआई लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंगुलर सीएलआई का वर्जन क्या है, 14.1, नोड का वर्जन 16 है और नोड पैकेज मैनेजर यानी कि एनपीएम का वर्जन है 8.11। और ये है यहाँ पे एंगुलर के वर्जन हमें आ रहे हैं 14। तो दोस्तों हमने एंगुलर सीएलआई को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक फोल्डर सिलेक्ट करना है कि हमें एंगुलर का प्रोजेक्ट कहाँ बनाना है। तो हम चलते हैं डी में, वाईटी प्रोजेक्ट में, एंगुलर में। अब यहाँ एंगुलर नाम से कई सारे फोल्डर हैं, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ एंगुलर लेटेस्ट ऐप। अब हम इस फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों इस फोल्डर में हमें करना है क्रिएट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नेविगेट करना पड़ेगा उस फोल्डर पे। हमें करना पड़ेगा cd:\cd:\। अब हमें जाना है डी फोल्डर में, डी में। तो दोस्तों ऐसे करने से बढ़िया हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सीएमडी। हम जिस भी फोल्डर में हैं हमें वहाँ पे एड्रेस बार में जाना है और यहाँ डायरेक्ट लिख देना सीएमडी। उससे क्या होगा, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा उसी फोल्डर को लोकेट करते हुए। अब हमें क्रिएट करना है अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट, जिसके लिए क्या कमांड है, एनजी, एनजी मतलब एंगुलर स्पेस न्यू, बस ये कमांड है। और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैं नाम दे देता हूँ एंगुलर लेटेस्ट और एंटर कर देता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें राउटिंग चाहिए। तो राउटिंग क्या होता है कि जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हैं, उसमें एक होता है होम पेज, एक होता है अबाउट पेज, एक होता है सर्विस पेज, एक होता है कॉन्टेक्ट अस पेज। तो ये होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये सब क्या है, राउट्स कहते हैं इनको एंगुलर में। तो इसी को ये पूछ रहा है कि राउटिंग वाली फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट करनी है, तो हमें करनी है। हम यस कर लेते हैं और एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है सीएसएस यूज करनी है, एससीएसएस, सेस या लेस। तो मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ एससीएसएस फाइल, क्योंकि एससीएसएस फाइल सीएसएस से बेटर है। तो दोस्तों एससीएसएस क्या होता है, एससीएसएस सीएसएस का एक प्री प्रोसेसर है, मतलब सीएसएस ही है बट मोर सुपर पावर। तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये भी। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है एससीएसएस के बारे में, तो मैंने एससीएसएस की पूरी सीरीज बना रखी है अपने चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी डिटेल में जाना तो भी आप कोई बात नहीं, एससीएसएस यूज कर सकते हैं, जो सीएसएस का कोड है वो एससीएसएस में वर्क करेगा। तो हम करते हैं एंटर। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलिंग पैकेजेस एनपीएम। तो जो मैंने आपको बताया था एनपीएम, तो एंगुलर के प्रोजेक्ट में जो जो भी एनपीएम के पैकेज चाहिए उनको ये इंस्टॉल कर रहा है। तो दोस्तों हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस फोल्डर में हमारे पास ये एंगुलर का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं सारी क्रिएट हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं SRC फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर हमारा सारा काम होगा। इसमें है ऐप फोल्डर, एसेट्स, एसेट्स में हम इमेजेस वगैरह रख सकते हैं, एनवायरनमेंट, फेवाइकॉन, पॉलीफेल, main.ts, तो इन सब की बातें हम बाद में करेंगे।
और यहाँ पे आप देखेंगे एक है ऐप फोल्डर। इसी फोल्डर में हमारे सारे कंपोनेंट, पाइप, डायरेक्टिव, सर्विसेज वगैरह सब हम जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो चुका है, अब हमें इसे स्टार्ट कैसे करना है और कौन सा कोड एडिटर हमें यूज करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड यूज करें। वैसे तो बहुत सारे एडिटर हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है VS कोड। हम गूगल पे लिखते हैं VS कोड, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम आ चुके हैं VS कोड की वेबसाइट पे, जिसका पूरा नाम क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने खैर ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अगर हमें विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ। हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सीएमडी, तो ये ओपन हो गया हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड स्पेस डॉट, कोड मतलब VS कोड जो हमने इंस्टॉल किया है, अब एंटर। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VS कोड में हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब इसको रन कैसे किया जाए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल। बाय द वे, आप रन यहां से भी कर सकते हैं। रन के लिए क्या कमांड है, ng serve। हमें अपने प्रोजेक्ट को सर्व करना है ताकि हम उसको रन करके अपना काम कर सकें, तो इस टर्म को कहते हैं सर्व करना। तो ये कमांड है ng serve, तो आप यहां भी लिख सकते हैं, बट मैं यूजली वर्क करता हूँ VS कोड के टर्मिनल में, तो हम यहाँ लिखते हैं ng serve। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू शेयर anonymous uses data about this project with Angular, तो हम नो कर लेते हैं। अब ये हमारा प्रोजेक्ट सर्व हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है, अब हम इसे चेक कर सकते हैं। और इसे ब्राउजर पे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट कोलन 4200, ये इसका पोर्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट कोलन 4200। तो दोस्तों, आपने देखा अब हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ये इसका लैंडिंग पेज है। जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये लैंडिंग पेज एंगुलर की तरफ से हमें बना बनाया आता है, तो हम इसको फिलहाल हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है SRC फोल्डर में, ऐप में। अब ऐप में आप देखेंगे कई सारी फाइलें हैं, ऐप राउटिंग फाइल, जो कि इसने हमसे स्टार्ट में पूछा था कि आपको राउटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये है हमारी HTML फाइल, तो ये सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, div बना लेता हूँ, एक div में लिख लेता हूँ हेलो UX ट्रेंड। अब इसको सेव करने के बाद हमें यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो रिफ्रेश होता है। मैं इसको साइड बाई साइड रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, हेलो की जगह लिख देता हूँ वेलकम। अब मैं सेव करता हूँ, तो आपने देखा ये चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गए। तो दोस्तों, ये है हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट, हम सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर चुके हैं और रन भी कर चुके हैं। तो इसके स्टेप्स क्या थे, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप था इंस्टॉल Node.js, और दूसरा स्टेप था इंस्टॉल एंगुलर CLI, तीसरा स्टेप था क्रिएट एंगुलर ऐप, जो कि हमने क्रिएट करी थी ng new और ऐप नेम। तो ये तीन स्टेप थे, इन तीन स्टेप से हमने एंगुलर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, मैं आपको इजीली सब कुछ समझाने में समर्थ रहा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।